जी दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम है राइडन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोक्यो रेंजर्स के एपिसोड 21 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बाक वीडियो चेकआउट करेगा और तो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। हमने एक नया चैनल खोला है AnimeTopics 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कॉन्टेंट डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करेगा और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हम उसे फॉलो करेगा। अब चलते हैं वीडियो पर। जी दोस्तों, एपिसोड 21 एपिसोड 20 की मिनट के बाद स्टार्ट होता है, जहां पर हमें दिखाया जा रहा है कि बाजी अब अपने चोटों की वजह से जमीन पा चुका है। चीफ यू भाग के बाजी के पास जाता है देखने के लिए बाजी ठीक है कि नहीं, और वो देखता है कि बाजी की पीठ से बहुत सारा खून निकल के आ रहा है। टाकमीच नीचे खड़े को सोच रहा होता है कि बाजी के चोटें कब लगी। टाकमीच फिर समझ जाता है कि वो असलियत में बाजी को काजुटोरा से नहीं बचा पाया था और काजुटोरा ने बाजी के चाकू पीठ में घोंक दिया था। इसके बाद हमें मीचो को दिखाया जाता है जो टोमान के एक दूसरे मेंबर को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कह रहा है। इंटर के बाद हमें दिखाया जाता है कि टाकमीची सोच रहा है कि अगर बाजी यहाँ पर मर गया तो सब कुछ किसाकी के प्लान के हिसाब से चलता रहेगा। इसके बाद किसाकी सबके मुंह पे झूठ बोलता है और कहता है कि काजुटोरा ने बाजी को वालहाला में इसलिए इनवाइट करा ताकि वो बाजी को ज़्यादा आसानी से मार सकें। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है जो अपने आप से कह रहा है कि वो काजुटोरा को जेल से निकलते ही मारने वाला था, लेकिन बाजी था जिसने उसे ये करने से रोका, और बाजी वो था जिसने माइक को कन्विंस करा कि काजुटोरा को एक और चांस दें। लेकिन अब काजुटोरा ही बाजी को मार चुका है। माइक को ऐसा देख टाकमीच कहता है कि माइक की शक्ल देख के लगता नहीं, लेकिन वो अंदर से गुस्से में जल रहा है। माइकी फिर चल के ड्रैगन और हानमा के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। हानमा माइकी के पास चल के आता है और उसे कहता है कि वो कौन होता है डिसाइड करने वाले कि ये लड़ाई ख़त्म हुई कि नहीं। इसके बाद माइकी एक ही लात में हानमा को टहला देता है। ये देख के वालहाला के सारे मेंबर्स डर के भागना शुरू कर देते हैं और सिर्फ काजुटोरा बचता है। काजुटोरा माइक से लड़ने के लिए आता है और बोलता है कि देखते हैं कि यहाँ पे कौन मरता है, वो या माइकी। इसके बाद माइकी काजुटोरा को बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है, और ये देख के टाकमीची को फ्यूचर के ड्रैगन या प्रेजेंट के ड्रैगन की बात याद आती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हानमा काजुटोरा को कॉल करके कह रहा है लड़ाई के बीच में कि बाजी एक धोखेबाज है, और इस पॉइंट पर काजुटोरा डिसाइड करता है कि वो बाजी को भी मार डालेगा और फिर वो बाजी के चाकू घोंक देता है। और जब फ्लैशबैक खत्म होता है हमें दिखाया जाता है कि काजुटोरा को माइकी बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। इसके बाद हमें बाजू को दिखाया जाता है जो अभी मरा नहीं है लेकिन अभी जिंदा है। इसके बाद बाजी हिल डुल के माइकी के पास आता है और उसे कहता है कि वो बड़ा खुश है कि माइकी बाजू के तौर पर काजुटोरा से गुस्सा हो गया है। इसके बाद वो काजुटोरा की तरफ चल के जाता है और बोलता है कि वो इस चोट से नहीं मरेगा, और फिर वो एक चाकू निकालता है और बोलता है कि वो काजुटोरा के हाथों नहीं मरेगा। फिर वो अपने आप को चाकू घोंक देता है, और जैसे कि आप सब लोग सोच सकते हैं चाकू घोंकने के थोड़ी देर बाद बाजी मर जाता है। लेकिन मरने से पहले बाजी टाकमीची चीफी को बताता है कि किसाकी ने माइक से एक डील बनाई थी कि अगर माइकी किसाकी को थर्ड स्क्वाड का कैप्टन बना देगा तो वो पा को जेल से निकाल सकता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि पा जेल में भी किसाकी की वजह से ही है। और फिर आखिर में बाजी बोलता है कि थर्ड स्क्वाड के कैप्टन पा के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माइकी ड्रैगन बाजी मित्सिया पाचीन और काजुटोरा इन छह ने ही मिलकर टोमान बनाई थी, और कि ये छह लोग ही बाजी का ट्रेजर हैं, और कि वो अपनी गलतियाँ ठीक करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया और एंड में उसने अपने आप को मार डाला। लेकिन सिंस उसने अपने आप को मारा है तो इसलिए माइकी के पास काजुटोरा को मारने का कोई भी रीज़न नहीं है। बाजी फिर कहता है कि वो टोमान और माइकी को टाकमीची की जिम्मेदारी बना रहा है, और फिर बाजी प्रॉपरली मर जाता है। बाजी के मरते ही माइकी गुस्से में काजुटोरा को आटी की तरह गूंदने लग जाता है। चीफ यू फिर टाकमीची से बोलता है कि बाजी असलियत में कोई ट्रेटर नहीं था, और कि वो इस पूरे टाइम अकेले ही लड़ रहा था, और कि चीफ यू बाजी को बचा नहीं पाया। इसके बाद टाकमीची भाग के जाके काजुटोरा के सामने खड़ा हो जाता है और माइकी को रुकने के लिए कहता है। माइकी टाकमीची को बोलता है कि अगर वो उसके सामने से हटेगा नहीं तो वो टाकमीची को भी काजुटोरा के साथ मार डालेगा। फिर टाकमीची एक और बार माइकी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए माइकी उसे एक मुख्य मुर्दा भेज देता है। टाकमीची फिर कहता है कि बाजी नहीं चाहता था कि यह सब हो। माइकी उसे एक और बार लात मार के उड़ता हुआ भेजता है और उसे कहता है कि उसके पास कोई हक नहीं है बाजी के बारे में बात करने का। टाकमीची फिर खड़े होकर माइकी से कहता है कि वो समझ क्यों नहीं रहा कि बाजी मर चुका है। फिर टाकमीची अपना कोट निकाल के फेंक देता है और उसके कोट से गुड लक चार्म जमीन पर गिर जाता है। वो ये करते हुए माइकी से पूछता है कि माइकी समझ क्यों नहीं रहा, उसे क्यों लगता है कि बाजी ने अपनी जान दांव पर क्यों लगाई थी। फिर वो माइकी की तरफ चला कहता है कि बाजी ने ये सब माइकी और टोमान के लिए करा था,
और कि काज डोरा ने बाजी को नहीं मारा, बाजी ने अपने आप को मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि काज डोरा बाजी की मौत का भी बोझ अपने कंधों पर उठाए, और वो चाहता था कि माइकी आखिरकार काज डोरा को माफ़ कर दे क्योंकि वो उन सबसे बड़ा प्यार करता था। तो माइकी ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा। फिर टाकीमिची के कोर्ट से जो लकी चाम गिरा था, माइकी उसे उठा के देखता है और टाकीमिची से पूछता है कि उसे कहाँ मिला। टाकीमिची कहता है कि उसे ज़मीन पर गिरा मिला था टोमान की आखिरी मीटिंग के बाद। ये चाम देख के माइकी ड्राकन उम्मीद से थोड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये चाम देख सकें एपिसोड खत्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बाकर चेकआउट करेगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और थोड़ा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है AnimeTopics 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करेगा, और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है तो प्लीज़ हमसे फॉलो करेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।